के दशक की अगर बात की जाए तो हमें कई ऐसी अदाकाराएं देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर हिंदी सिनेमा में अपना वजूद कायम किया है, और उन्हीं में से एक नाम आता है रति अग्निहोत्री का, जिन्होंने अपने दौर में अपनी खूबसूरती से लेकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। लेकिन इन्होंने लगभग दो दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना वजूद कायम रखा, जिन्हें एक अभिनेत्री के अलावा कई फिल्मों में माँ के किरदार में भी देखा गया है, और इन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा। लेकिन अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री रही रति अग्निहोत्री आज कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। हिंदी सिनेमा जगत की बेहतरीन अदाकारा रही रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिष्य चेन्नई गुड शेफर्ड मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, और इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें, इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1979 में तमिल फिल्म पुथिया वरपुगल से की थी, और इस फिल्म के बाद से ही इन्हें कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और इस दौरान इन्होंने साल 1981 में तमिल फिल्म सत्यम शिवम और बॉलीवुड फिल्म आरजू से अपने करियर की शुरुआत की। इन फिल्मों में इनके अभिनय को देखते हुए फिल्म निर्माता और निर्देशक इन्हें कई और बेहतरीन फिल्मों के ऑफर देने लगे, जिनमें इन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया, जिनमें एक दूजे के लिए तवायफ, स्वामी दादा, कुली, शौकीन, पुरानी जीन्स और कुछ खट्टा कुछ मीठा जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में इनके अभिनय को काफी पसंद भी किया गया, जिसके बाद इन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी और इंग्लिश भाषाओं की फिल्मों में भी अभिनय करते हुए देखा गया, और इन फिल्मों में काम कर इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली, जिन्हें आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इन्हें आखिरी बार साल 2005 में आई फिल्म ऐसा क्यों होता है में अभिनय करते हुए देखा गया था। इसके अलावा इन्होंने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के सीरियल्स में भी काम किया है, जिनमें काजल और रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 1 शामिल हैं। वहीं अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो आपको बता दें, इन्होंने साल 1985 में अनिल विरवानी से शादी की थी, जिस शादी से इन्हें एक बेटा तनुज विरवानी भी है। लेकिन इनकी शादी साल 2015 में टूट गई थी और दोनों ने तलाक ले लिया था, और आज इनकी राहें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अपने दौर की मशहूर अदाकारा रही रति अग्निहोत्री आज पहले से काफी बदल चुकी हैं, और पहले के मुताबिक काफी मोटी नजर आती हैं, और इनके चेहरे पर इनकी बढ़ती उम्र का असर साफ तौर पर देखा जाता है। आप इनके चेहरे पर इनके बुढ़ापे का असर भी देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन किया है, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि रति अग्निहोत्री पहले के मुताबिक कितना बदल चुकी हैं, और बढ़ती उम्र के साथ वो धीरे धीरे बुढ़ापे का शिकार होती नजर आ रही हैं। इन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के साथ 60 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें अक्सर ही इवेंट्स और पार्टीज में स्पॉट किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दौर की मशहूर अदाकारा रही रति अग्निहोत्री के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।